गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज हम भारत के एक समकालीन आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे जिसे भारत का पिकासो भी बोला जाता है, M.F. हुसैन। अगर आर्ट में, चूंकि इंडिया में इतनी बड़ी क्रांति आई, तो उसमें M.F. हुसैन का बहुत बड़ा योगदान है। तो M.F. हुसैन कोई बहुत बड़ा रईस नहीं था बच्चों। शुरुआती शिक्षा इंदौर आर्ट कॉलेज से हुई। वो भी अपने मामा के यहाँ रह के पढ़ते थे। सेकेंड ईयर तक पढ़ाई पूरा, 5 साल का BFA कोर्स होता है, तो सेकेंड ईयर तक वो पढ़े। इस दरमियान उन्होंने जो चीज दिन में देखते थे उसे लालटेन की रोशनी में चित्रित किए। छाता, जूता, लालटेन या लैंडस्केप, जो भी चीज दिन में देखते थे उसको लालटेन की रोशनी में उस दरमियान चित्रित किए। उन्हें जानवरों से भी बहुत लगाव था, खासकर घोड़ा से। घोड़ा के लाखों ड्राइंग उन्होंने किए। अगर हुसैन को जानते हो, जैसे ही हुसैन का हम नाम लेते हैं वैसे ही उनके हॉर्स वाला स्केच ड्राइंग याद आ जाता है। उसके बाद गरीबी के कारण इंदौर आर्ट कॉलेज से छोड़ के मुंबई आ गए। मुंबई में शुरुआत में होर्डिंग पेंट किए, सिनेमा के बड़ा बड़ा जो बैनर बनते थे वो बनाते थे, पेंट करते थे। एक ही साल में वहां का सबसे अच्छा होर्डिंग बनाने वाला कलाकार के रूप में फेमस हो गए। उसके बाद एकाएक उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और इंदिरा गांधी को नेहरू का पोर्ट्रेट बनवाना था। कहते हैं ना, जब तकदीर चमकता है तो कहीं से कॉल हो जाता है। तो किसी ने बताया कि हुसैन सबसे अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है और इंदिरा गांधी को नेहरू जी का पोर्ट्रेट बनवाना था। वो काम हुसैन को दिया गया। हुसैन ने बखूबी वो काम किया, और जब इंदिरा गांधी देखी तो बाग बाग हो गई। उसे फर्स्ट नजर में लगा कि नेहरू जी आ गए। इतना सजीव चित्रण हुसैन ने किया था, फिर किया था। हुसैन का किस्मत वहां से पलटी मार दी। थोड़ी दिन में हुसैन का PM आवास आना जाना चालू हो गया। उसके बाद इंडिया का समकालीन आर्टिस्ट में हुसैन का पहला नाम आने लगा।
1955 में जमीन नाम के चित्रों पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से पहला पुरस्कार मिला। और हुसैन सर बड़ी सहनशीलता के साथ काम करते थे। उसके बाद वो दिन भी आया जब इंदिरा गांधी ने राज्यसभा के लिए हुसैन के नाम का प्रस्ताव रखा और हुसैन राज्यसभा का सांसद बन गया। सांसद बनने के दरमियान हुसैन ने एक शब्द भी बोला नहीं अपने मुंह से। तो सवाल यह है कि हुसैन खामोश था या हुसैन सिर्फ सुनता था सबका, कोई जवाब नहीं देता था या प्रश्न नहीं करता था? नहीं, सवाल गलत है। हुसैन बोलता था लेकिन जवान से नहीं बोलता था। उन्होंने राज्यसभा में ही कैनवास लगा रखा था और राज्यसभा में एक चित्र पर काफी विवाद हुआ हुसैन के चित्र पे, जिन्होंने हुसैन ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप भी बनाया था। तो हुसैन की ये खासियत थी, हुसैन जवान से कम बोलता था, हुसैन बरस से ज्यादा बोलता था। चंद दिनों के बाद हुसैन इतना फेमस हुआ कि बड़े से बड़े हस्ती हुसैन से काम नहीं करवा पाते थे। अगर एमएफ हुसैन किसी के यहाँ एक महीना काम कर लेते थे तो उसके यहाँ सीबीआई लग जाता था कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आया जो हुसैन काम कर रहा है। हुसैन थोड़ा सा रंगीन मिजाज के थे, कई फ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बने। सबसे पहला देविका रानी पे फिदा हुए थे हुसैन, उसके बाद माधुरी पे, उसके बाद तब्बू पे। माधुरी की तो सीरीज ही बना डाली हुसैन ने और उस सीरीज में लगभग 80 पेंटिंग थे। लेकिन माधुरी को लेके तो कई फिल्म भी बनाए हुसैन, गजगामनी फिल्म जिसका डायरेक्शन हुसैन ने किया था। लेकिन बच्चों, हुसैन ने वो दिन भी देखे थे जो दिन बहुत कष्टदायक थी। कलकत्ता एग्जीबिशन के दौरान हुसैन के पास जेब में इतना पैसा नहीं था कि कलकत्ता से दिल्ली आ सके। उसने किसी सहपाठी आर्टिस्ट से पैसा लिया और दिल्ली गया। हुसैन का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब स्ट्रगल कर रही थे हुसैन और स्ट्रगल आर्टिस्ट का स्ट्रगल देखने लायक होता है, तो बराबर की कोई ना कोई गुजर जाते थे तो मैयत जाते थे। दो तीन बार मैयत जाने के क्रम में उनका चप्पल टूट गया। जब तीसरा बार चप्पल टूटा तब हुसैन ने चप्पल को सदा के लिए फेंक दी।
बोला आप चप्पल मैं नहीं पहनूंगा। तब से हुसैन ने चप्पल नहीं पहना, नंगे पैर रहा। अब इसे जो भी कहा जाए, हुसैन आर्टिस्ट तो बहुत है इंडिया में, लेकिन हुसैन एक आर्टिस्ट में पब्लिक फिगर थे, जिसे हर कोई पहचानता था ये हुसैन साहब हैं। वैसे हुसैन साहब बहुत विवादास्पद आर्टिस्ट बन गए थे। उन पे आरोप था कि उन्होंने हिंदू देवी देवता को न्यूड चित्रित किया। 900 केस हुसैन पे था। पहला ऐसा आर्टिस्ट है जिसपे 900 केस। कला इतिहास में विवाद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेजान के ओलंपिया पे भी विवाद हुआ था, जब सेजान ने ओलंपिया देवी का रूप होता है, सेजान ने एक सेक्स वर्कर को बैठाकर मॉडल के रूप में बनाया और उसे ओलंपिया का रूप दे दिया, तो उस पर काफी विवाद हुआ था कि वो तो देवी का रूप था लेकिन वो मॉडल के रूप में उसे यूज किया। तो कला इतिहास में विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि दुनिया में इससे पहले किसी आर्टिस्ट में 900 केस हुआ होगा। तो हुसैन काफी विवादास्पद आर्टिस्ट इंडिया का रहा, उसे देश निकाला भी मिला। वो जब मरे तो इंग्लैंड में मरे थे, हमें अभी भी याद है 2011 का वो काला दिन था, जो दिन हुसैन ने इंडियन आर्ट को छोड़ के सदा के लिए चला गया। पर हुसैन कभी हार नहीं माना। जिंदगी में जितने भी शौक थे हुसैन ने पूरा किया। हुसैन में एक एनर्जी था जो किसी आर्टिस्ट में नजर नहीं आता, इंडियन आर्टिस्ट में। किसी इंडियन आर्टिस्ट में वो एनर्जी नजर नहीं आता जो हुसैन में था। हुसैन की फेमस कलाकृति जमीन, मदर टेरेसा, माधुरी श्रीज, हुसैन का घोड़ा, लालटेन, जूता इत्यादि रहा। तो इस तरह से आज हुसैन एक ग्रुप की स्थापना की थी, प्रोग्रेसिव आर्ट। उसमें 5 मेंबर काम करते थे, हुसैन, राजा, सुजा, तैयब मेहता और आरा। ये 5 काम करते थे। और एक तरफ प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप इंडिया में था तो एक तरफ बंगाल शैली, 2 शैली उस समय इंडिया में चल रहा था। बंगाल शैली में लगभग 40 से 50 आर्टिस्ट काम कर रहे थे और प्रोग्रेसिव आर्ट शैली में 5 आर्टिस्ट काम कर रहे थे। बंगाल शैली का काम था
भारतीय शैली को पुनः जीवित करना। अजंता एलोरा इस सब का कॉपी बंगाल शैली में होता था। बंगाल शैली का माध्यम जल रंग टेम्परा इत्यादि रहा, स्याही ऑयल भी था लेकिन कम था। तो बंगाल शैली पुनः इंडियन आर्ट को जीवित कर रहा था, और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप इंडियन आर्ट को जीवित नहीं कर रहा था, वो आगे की तरह हवा ले रहा था, वो पूरा दुनिया में भ्रमण कर रहा था। इसलिए प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप पिकासो से प्रभावित था, हर आर्टिस्ट से, मतलब बाहर के आर्टिस्ट को देख रहा था, वो आगे क्या होता है देख रहा था, लेकिन बंगाल शैली वो पीछे किया हुआ उसको देख रहा था। इसी में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप आगे की ओर निकल गया। सिर्फ 5 आर्टिस्ट था प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप में, लेकिन प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप आगे की तरफ निकल गया और बंगाल स्कूल बंगाल तक सिमट कर आ गया। हालांकि बंगाल स्कूल में भी बहुत बड़े से बड़े आर्टिस्ट हुए, नंदलाल बोस, यमुनी राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगननाथ ठाकुर, क्षितिन्द्रनाथ ठाकुर, आशीष कुमार हल्दर बंगाल से लिए कलाकार थे, कई एक सारे कलाकार थे। लेकिन प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप 5 पूरा इंडिया में छा गए और कई एक आर्टिस्ट तो बाहर, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के कलाकार बाहर बस गए। 2-3 आर्टिस्ट इंडिया में रहे 5 में से, और यही प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप इंडियन आर्ट को प्रेजेंट किया। तो बच्चों, हमें यह जानना जरूरी है कि किसी का नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने से आप वहीं तक सीमित रह जाओगे। महान कौन होता है? जो आगे की तरफ देखता है। पीछे की तरफ देखना कोई महानता नहीं है। और यही काम बंगाल स्कूल, पीछे की तरफ देखे तो बंगाल स्कूल वहीं पे रुक गया और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में छा गया। तो आज इतना बहुत काफ़ी है बच्चों। आपने हुसैन को जान लिया होगा कि हुसैन कौन है। आर्ट बनाना ही जरूरी नहीं है, आर्ट को जानना भी जरूरी है। तो आप आज हुसैन को जानें, कल किसी और आर्टिस्ट के बारे में हम जानेंगे। एक बात भूल गए हैं, हुसैन के साथ 2 दिन रहने का मौका मिला था पटना में। और मेरे कॉलेज में एग्जीबिशन भी हुआ था, तो उसमें हुसैन साहब ने ओपनिंग की थी। और DPS में तो हुसैन साहब ने पेंटिंग भी बनाए थे। कभी अहम नहीं लगा, हुसैन साहब के साथ रह के लग रहा था जैसे कोई अपना, मतलब कोई अथी नहीं था, कोई जो होता है अहंकार वो नहीं था। एक साधु की तरह हुसैन साहब थे। उनका जीवन साइंस कॉलेज में हुसैन पे जब इप्टा के कलाकार नाटक कर रहे थे, वो दृश्य आया, एक दृश्य आया जिसमें दिखाया गया था, जिस दिन हुसैन की शादी हो रही थी उस दिन हुसैन बोर्ड पेंट कर रहा था और उसके बाद शादी करने के लिए जाता है। वो सीन देख के हुसैन साहब
रो पड़े थे। वो शायद सोचते होंगे कि आज हुसैन कहाँ है और उस दिन कहाँ था। तो बच्चों, समय सबसे बलवान होता है, आदमी वहीं रहता है। कब कौन आदमी कहाँ चला जाए किसी को नहीं पता चलता। और आप लोग को यही चाहिए कि किसी पे हंसना नहीं चाहिए। जिंदगी में अगर किसी पे हंसोगे तो याद रखो, जिस पे हंसोगे वो शख्स बहुत बड़ा, भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कुछ भी अचीव करेगा तो बड़ा अचीव करेगा। और हंसता किस पे है? जो कुछ नया करने की ठान लेता है। और हमने तो देखा है, हंसने वाले ने सदा इतिहास रचा है, जिस पे दुनिया हंसा है। इसलिए आप किसी का मजाक मत उड़ाइए। धन्यवाद।